अस्सलाम वालेकुम, हम हैं बलूचिस्तान प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान शाज़िब खलील, हाजिर खिदमत है। आज के प्रोग्राम में हमारा साथ देंगी मैम शाजिया नज़ीफ, जो कि एक्सपर्ट हैं इन होममेड केक्स, और इनके केक्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। बहुत से लोग जो हैं अपने इवेंट्स को, अपने सेलिब्रेशन के दिन को यादगार और खूबसूरत बनाते हैं। तो बात करते हैं मैम से। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैम आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और हमारे स्टूडियोस को रौनक बख्शी। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे बुलाया, आई एम रियली ऑनर्ड। मैम सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को ये बताएं कि आपका इस फील्ड में आना कैसे हुआ? इस फील्ड में आने का ये कि मुझे शौक था, बेकिंग का, कुकिंग का शौक था मुझे। फिर अपने गेस्ट वगैरह के लिए मैं बनाती रहती थी, जब सबको पसंद भी आता था। तो फिर मेरी बेटियों की शादी जब हो गई तो फिर उन्होंने यही कहा कि अम्मी आप फारिग हो गई हैं अभी, मतलब फ्री होती हैं घर में, तो कुछ ना कुछ अपने लिए कोई ऐसी एक्टिविटी देखें आप जिसमें आप मसरूफ़ रखें अपने आप को। फिर बेटी के ही कहने पर मैंने हमने लाइक 4 ईयर्स बैक हमने अपना पेज बनाया बेको क्लॉक क्वेटा के नाम से, तो उसको फिर हम लेके आगे चले। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला उससे। तो बस इसी तरह मैं इस फील्ड में आ गई। पहले तो ज़रा शौक शौक से करती थी, फिर उसके बाद से एक ज़रूरत भी बन गई। बिल्कुल, तो अपने आप को बिजी भी रखती हूँ इसी में, ज़रूरत भी है और शौक भी है, तो उस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि आपने एक मशगला जो है, जी बिल्कुल मशगला ही आपका है। हाँ जी, इसी तरह मैंने स्टार्ट इसी तरह। जैसे बहुत से लोग हैं जिनको बागवानी का शौक होता है या जो पेट्स वगैरह रख रहे होते हैं घर में, कि मेन फोकस आपका है कि आप अपने आप को मसरूफ रखें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम सबसे पहले तो ये भी बता दें हमारे देखने वालों को कि कितने साल से आप ये काम कर रही हैं, और मोटिवेशन या कहीं से आपने सीखा हो या फिर आपने किसी को देखा और आप सोचती हो कि मैं भी ये काम स्टार्ट करूं? 4 ईयर्स बैक मैंने आपको बताया कि मैं हमने ये स्टार्ट किया था, तो वही है कि शौक से किया था। तो इंस्पायरेशन और मोटिवेशन तो मुझे अक्सर जो देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे तो बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि एक उनसे इंस्पायर तो होते रहते हैं, बस उन्हीं को फिर देख के फॉलो करके तो उनसे उस हिसाब से जो है फिर उसी इस काम को लेके आगे। मैम बेकिंग से डेकोरेशन तक का जो काम होता है वो खुद ही करती हैं या कोई आपने हेल्पर भी रखा हुआ है? क्योंकि बाज़ औक़ात बंदा जब काम कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो थक भी जाता है। जी जी बिल्कुल, नहीं बेकिंग और डेकोरेशन का मेनली तो करती हूँ मैं, खुद ही करती हूँ, कोई मैंने ऐसा हेल्पर नहीं रखा हुआ। लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड 100% मेरे साथ हैं। अच्छा, फैमिली सपोर्ट है? जी बिल्कुल, हम दोनों होते हैं तो हम दोनों मिलके करते हैं ये काम ना। बिल्कुल हस्बैंड की सपोर्ट है और उनका साथ है मेरे, तो वो मेरे साथ पूरी हेल्प करवाते हैं हर चीज में। बिल्कुल, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर तो आपको पता है कि आगे आना बहुत मुश्किल। बिल्कुल, मैं ये अभी सवाल पूछने ही वाला था आपसे कि फैमिली की सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बेशक आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो तो जब तक आपको बैक से सपोर्ट नहीं होगी तो आप उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। जी फैमिली की सपोर्ट हस्बैंड की भी बिल्कुल है, बच्चों की भी है, तो इसलिए मेरे लिए बहुत आसानी है इसमें। और डेकोरेशन वगैरह तो मैं खुद करती हूँ, लेकिन जहाँ तक हो सकता है मेरे हस्बैंड भी साथ, पूरी मेरी वो पूरा साथ देते हैं। ठीक है मैम, बेकिंग का कहीं से आपने कोर्स वगैरह किया या वो कहते हैं ना हर फन मौला, कहीं ना कहीं से सीख लिया आपने? बस नहीं, कोर्स मैंने कोई भी नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं, कोई ऐसी क्लासेस नहीं ली मैंने। बस ये है कि शौक था तो देख के इधर उधर से बस। और अभी आजकल तो यूट्यूब जो है वो तो बहुत कुछ सिखा देता है। फिर ये कि जो चीज़ में थोड़ी डिफिकल्टी होती है तो कोई ना कोई सर्च करके यूट्यूब पर किसी ना किसी शेफ का कोई देख लेती हूँ, उससे देख के तो सीख लेती हूँ या उससे देख के बनाने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि बन जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ना भी बने तो लेकिन जी। और जो हमारे कस्टमाइज्ड केक होते हैं तो यही मेरे कस्टमर्स यही कहते हैं कि 95% तो होता है जो वो पिक्चर्स भेजते हैं, तो उसमें 95% मैंने बिल्कुल आपका बेको क्लॉक पेज भी विजिट किया हुआ, और उससे पहले भी मैं काफी उस पेज से मुंसलिक रहा। तो बहुत से लोग जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बोलता हूँ बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है, जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा वो आपको ऑर्डर नहीं देगा। और आजकल आपको पता है कि जो ऑनलाइन जो भी चीज़ कोई भी ऑर्डर करता है पहले उसके रिव्यूज़ देखे जाते हैं कि ये इसका रिव्यू कैसा है। कोई फॉर एग्जांपल कोई सूट भी हम जैसे लेडीज़ कोई ऑनलाइन लेते हैं तो हम पहले देखते हैं कि इस ब्रांड का रिव्यू कैसे है, अगर अच्छे होते हैं तो फिर ही हम उधर ऑर्डर करते हैं। तो इसी तरह हमारे पेज के भी रिव्यूज़ देख के ही लोग हमसे ऑर्डर करते हैं, क्योंकि रिव्यूज़ माशाल्लाह हमारे गूगल पे भी हैं और बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल।
अभी कुछ पिक्चर्स वगैरह और कुछ वीडियोस वगैरह भी हैं जो मैंने आपका पेज विजिट करके जो है अपनी टीम को प्रोवाइड किए हैं, वो भी शो रील में साथ साथ चलेंगी और साथ साथ आपका ये इंटरव्यू भी चलेगा, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं अगर उनको अंदाज़ा नहीं है तो उनको अंदाज़ा हो जाए कि बलूचिस्तान में, क्वेटा में बहुत से लोग हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि अमूमन अगर देखा जाए, कहते हैं कि बलूचिस्तान में टैलेंट की कमी है, लेकिन मैं बोलता हूँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में। नहीं, टैलेंट तो खैर बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो कहना कि बलूचिस्तान में टैलेंट नहीं है, आई डोंट थिंक सो, कि सही है, बिल्कुल टैलेंट है, लेकिन बस ये कि हिडन टैलेंट है। और ख्वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक आपको फैमिली सपोर्ट नहीं होगी, वो अपने आप को आगे लाने से डरती हैं, बिल्कुल मतलब आने से बिल्कुल डरती हैं वो, कि अगर हम ये करेंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। लेकिन फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह जब कॉन्फिडेंट होंगी लेडीज़ तो वो फिर ही आगे आएंगी, और इसी से फिर पता चलेगा कि किसमें कितना टैलेंट है। अभी घर बैठ के तो बहुत से काम कर सकती हैं और कर भी रही बिल्कुल हैं लेडीज़ बिल्कुल क्वेटा में, बस यही है कि उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो अपने आप को शो कर सकें। बिल्कुल मैम, जैसे आपने अभी बताया कि बच्चों की शादी हो गई, फिर आपने अपनी मसरूफियत इधर ढूंढी कि भाई ये मशगला जो अपनाया जाए, तो बहुत सी ऐसी फीमेल्स होंगी जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, बहुत सी जिम्मेदारियां भी होंगी और वो इस फील्ड में आना चाह रही होंगी, तो उनको आप क्या सजेस्ट करती हैं कि वो इस फील्ड में आएं ना आएं, और अगर आएं तो किस तरह मैनेज करें? नहीं, आए ज़रूर आए, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि ना आए, क्योंकि मतलब एक कोई भी लेडीज़ हो जो मेरा ख्याल अगर अनएजुकेटेड भी हैं, जो पढ़ी लिखी ना भी हो, वो भी इस फील्ड में आ सकती हैं। जस्ट सिर्फ ये है कि उनको जैसे कुकिंग का शौक होता है, कुकिंग एक्सपर्ट्स होती हैं, वो घर से खाना फ्रोज़न आइटम्स करके कर रही होती हैं, तो वो तो कोई भी कर सकता है, और ख्वातीन का तो ये काम है कुकिंग करना, तो वो तो कर ही सकती हैं। तो बेकिंग के फील्ड में भी आएँ, ज़रूर आएँ, और आजकल बहुत कोर्सेज़ हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, वो लें और आएँ। बिल्कुल, इसमें बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फील्ड है ये, और ये है कि आपको शौक़ होना चाहिए, शौक होना क्योंकि चाहिए, शौक होगा तो आपका काम में नीटनेस और अच्छा, मतलब खूबसूरती अच्छा काम आएगी। कर हाँ सकते। जी, आपका काम जो है मुझे क्लिक इस वजह से भी किया क्योंकि मेरी वालदा खुद मतलब डिफरेंट चैनल्स वगैरह देखती रहती थी और शेफ्स वगैरह को फॉलो भी करती थी, तो एक दफा मुझे याद है उन्होंने एक अपनी नोटबुक बनाई हुई थी, उसमें उन्होंने एक रेसिपी जो है नोट कर ली थी, आम सादा केक जो होता है, तो वो बनाती रहती थी, लेकिन वही बात है फरागत नहीं होती थी बच्चों को संभालना और ये वो, तो एक दफा मैं, मुझे खुद मीठे का बहुत ज्यादा शौक है, और जब मैं आपके केक्स वगैरह अभी भी आपका पेज विजिट कर रहा होता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा होता है तो मैंने एक दफा ऐसे ही बस किचन में घुस के, उस टाइम तो वो आपको पता है कि बीटर्स वगैरह इतने इन नहीं थे, अभी तो बहुत ज्यादा इसके लिए आपको आइटम्स वगैरह अगर देखा जाए मार्केट में आए हुए, स्पैचुला है या बीटर वगैरह, तो उसको मैंने हाथ पे अंडे को फेंट कर और मैंने बस ओवन में जो है उसको ओवन की नजर कर दिया, और वो फर्स्ट टाइम ही बहुत अच्छा केक बना, और उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा केक्स वगैरह बनाए, तो इस वजह से भी आपका काम जो मुझे अट्रैक्ट करता है बस वही कि बात है ना, आपको वेरिएशन इंटरेस्ट इसमें। है, बिल्कुल इंटरेस्ट है तो इसीलिए आपको अट्रैक्ट करता है ना, बिल्कुल बस ये शौक और इंटरेस्ट की बात होती बिल्कुल है। मैम, तो आप भी ऐसे करती होंगी कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर केक बना रही है कि ये चीज भी मैं ऐड कर दूं, इसमें फ्लेवर कुछ और आ जाएगा और वो बिल्कुल, ज्यादा मैं बेहतर रिजल्ट बिल्कुल, मिलता ये है? एक्सपेरिमेंट्स तो चलते रहते हैं साथ बिल्कुल साथ ना, कि कुछ ना कुछ डिफरेंट होता रहे। लेकिन बेसिकली हमारे असल में कस्टमाइज्ड केक है ना, जी जी ये बिल्कुल तो उस पे कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो हमसे कैसा केक चाहता बिल्कुल है। तो पहले शुरू में जब मैंने ये भी काम स्टार्ट नहीं किया था, उस वक्त ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते थे, लेकिन अभी तो अकॉर्डिंग टू कस्टमाइजेशन होता है, कि कस्टमर ने कहा कि हमें चॉकलेट केक चाहिए या हमें फज चाहिए, बस वो फिर उसी हिसाब से बनता रहता है। और अभी आजकल मुझे फिर इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट्स इतने ज़्यादा ठीक कर है, सकूँ। टू द पॉइंट, आपका मेन फोकस होता जी है कि बिल्कुल, कस्टमर जो सेटिस्फेक्ट। ऑर्डर आया है फिर उसी को फिर हम कर। मैम, किस किस एग्जाम के केक्स वगैरह बनाती हैं और उसमें से आपका फेवरेट कौन सा है, मतलब होता है ना एक फेवरेट स्पेसिफिक? केक्स तो वही बात है कि अकॉर्डिंग टू कस्टमाइजेशन होते हैं, लेकिन ये उसमें फॉन्डेंट केक्स हैं, चॉकलेट है, फज केक है, और प्लेन केक, क्रीम केक्स जो होते हैं वो हैं, चीज़ केक हैं, तो ये डिफरेंट जो भी जो कहता है वो बना देते हैं। बाकी मेरा फेवरेट जो है वो चीज़ केक है, जिसमें थोड़ा शुगर कम हो, थोड़ा सा लाइट हो। हाँ जी, वो मुझे मैम, ब्लैक फॉरेस्ट केक एक टाइम में बहुत ज्यादा जी जी इन था, वो बिल्कुल, अभी भी अभी इन है? जी, इतना इन नहीं है, लेकिन ये कि होते हैं, उसके ऑर्डर्स भी होते हैं। हाँ जी, क्योंकि वो सादे केक में ही समझिए आप एक तरह से आता है, ब्लैक फॉरेस्ट जो है ना वो नॉर्मल केक एक होता है। आजकल तो जी थीम के हिसाब से जी केक्स चलते थीम हैं ना, बिल्कुल तो और वो ज़्यादातर फोंडेंट के होते हैं, तो फोंडेंट के ज़्यादा आजकल इन है जी। ठीक है मैम, बच्चों के हवाले से पूछना चाहूंगा सवाल कि कितने आपके बच्चे हैं और क्या उनमें भी ये शौक पाया जाता है बेकिंग के हवाले से? माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, तो लेकिन ये कि उनमें सच कोई ऐसा शौक नहीं है बेकिंग का, नहीं उनमें नहीं है। बेटियों की मेरी माशाल्लाह से शादी हो गई है, और बेटा मेरा कराची में होता है, वो भी अनमेरिड है जी।
ठीक है मैम, बेकिंग क्लासेस वगैरह आज बड़ा आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि अगर किसी ने कहीं से सीखा भी नहीं है वो अच्छा काम करें तो आपको क्लासेस दे रहे होते जी हैं, तो जी आपने बेकिंग क्लासेस वगैरह कुछ नहीं सीखा अभी तक और कुछ नहीं सोचा अभी तक? नहीं, अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि एक तो बेकिंग क्लासेस लेने के लिए आपके पास पूरा एक सेटअप होना चाहिए, जो फिलहाल में नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते हम ना, क्योंकि टाइम भी आपके नहीं, टाइम भी टाइम नहीं मैनेजमेंट है, और करना पड़ता दूसरा है। ये कि घर में करते हैं हम लोग, तो घर का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि बाकायदा पूरी क्लासेस का एक अरेंजमेंट बन सके ना। तो और वैसे भी मैंने आपको बताया कि मैंने सीखा हुआ नहीं है, तो मैं ये खुद समझती हूँ कि अगर मैंने नहीं सीखा हुआ, मैं भी तो खुद सीख रही हूँ एक जी तरह से एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जी, करके। तो मैं जी खुद भी अभी तक सीख रही हूँ, तो इस हिसाब से ये ना हो कि मैं किसी को कुछ गलत गाइडलाइन दे दूँ या गलत गाइडेंस दे दूँ, तो इसलिए फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है कि मैं कोई ऐसा करूँ, क्योंकि सेटअप भी नहीं है मेरे पास कुछ ऐसा ना। मैम, कितना वक्त दरकार होता है एक केक को बनाने में? ये भी अकॉर्डिंग टू केक होता है कि साइज होता है केक का, कितना मतलब कितना बड़ा केक है, छोटा है, उसमें मतलब कम से कम भी 3 से 4 घंटे तो लगते हैं, फर्स्ट आप सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करते हैं, फिर उसको बेक करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, फिर उसके ऊपर उसका फाइनल क्रम कोट होता है, फिर फाइनल कोट होता है, फिर उसके ऊपर टॉपर्स लगते हैं, तो मतलब काफ़ी तकरीबन 4 से 5 घंटे तो आराम से लग जाते हैं, और फोंडेंट केक पे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसकी डेकोरेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है, पहले आपको बनाने होते हैं उसके टॉपर्स, और वो सारे जो हैं वो हाथ से हम लोग, मैं खुद बनाती हूँ। मोल्ड्स वगैरह हैं बहुत से आजकल अवेलेबल हैं, जी लेकिन बिल्कुल। फिर वही बात आ जाती है कि मोल्ड का एक साइज़ होता है बड़े केक पर, वो छोटे छोटे मोल्ड्स वाले फिर नहीं चलते, वो फिर मुझे बनाने पड़ते हैं और बनाती हूँ मैं फिर। ठीक है मैम, जैसे अभी देखा गया है तो महंगाई बहुत ज्यादा होती जा रही है दिन ब दिन। जो चीजें आप अगर खरीद रहे थे आप 500 की, तो वो आपको 1500 की मिल रही हैं, मतलब तीन तीन उस पे जो जी है बिल्कुल, बहुत टैक्सेस बढ़ गई वगैरह है के बाद वो बिल्कुल, तीन तीन हाँ आप पे कर रहे हैं, डबल पे कर रहे हैं, तो महंगाई किस हद तक आपके जो मतलब इस कारोबार पर असरअंदाज है? ऑर्डर्स महंगाई अभी भी उस तरह के तो, आ रहे हैं या ऑर्डर्स कम हो गए ऑर्डर्स तो हैं? आ रहे हैं, कुछ कम भी हो जाते हैं, लेकिन ये है कि महंगाई तो है सबके लिए है, लेकिन ये है कि हम जब होम बेस्ड जो बेकर्स जो हैं वो जब कहते हैं कि जी हम अपना प्राइसेस बढ़ाने की बात करते हैं, तो लोग हमसे यही कहते हैं कि जी बेकरी में इतने का है, आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं, तो वो ये बात नहीं समझते कि बेकरीज का जो है वो बल्क में बनते हैं, उनको वो एज़ कम्पेयर टू होम बेकर्स उनको थोड़ा सा वो कम रेट्स पड़ते हैं, हम लोग एक एक केक पर काम करते हैं और हमें चीज़ें फिर ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं, तो इस वजह से जो है ज़ाहिर है हम लोग जब प्राइस बढ़ाने की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं जी हम तो ये नहीं देंगे, और इस बात को ज़रा थोड़ा सा लोगों को भी समझना चाहिए कि हमारी मेहनत डबल होती है एज कम्पेयर टू बेकरीज जो है ना, तो हमारी ज़रा ज़्यादा होती है। और जब बंदा अकेला हो, जैसे तो आप कह रहे हैं कि आपके हस्बैंड भी आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं और हेल्प आउट भी करते हैं, लेकिन फिर वही बात है घूम फिर के वो हो सकता है 50% ही क्यों ना आपकी हेल्प कर रहे हो, लेकिन आखिरकार आपने ही देखना होता है, जी आपने ही चीज़ें बिल्कुल, मैनेज करनी होती जी हैं। बिल्कुल, नहीं वैसे तो ये कि 100% मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ग्रॉसरी वगैरह बाहर से जी जी लानी, बिल्कुल फिर डिलीवर करना, राइडर्स से बात करनी, नेट को संभाल, मतलब ये इंस्टाग्राम इंटरनेट वगैरह और के, पेज हाँ वगैरह जी पेज मैनेज करना, वगैरह को बिल्कुल मैनेज करना, वो सब कुछ ये करते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए ये सब चीज़ें इकट्ठा बीच में साथ बेकिंग के साथ करना ये बहुत मुश्किल होता, तो इसलिए हर एक के साथ कोई ना कोई सपोर्टर तो होना चाहिए, अभी हम लोग चाहे दो हैं लेकिन एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इसलिए इसीलिए आगे चल रहा है, अगर वो नहीं सपोर्ट करेंगे तो मेरे लिए अकेला करना बहुत मुश्किल बिल्कुल होगा ये। बिल्कुल, अकेला बंदा वो जी कहते जी हैं कोई भी काम हो बहुत मुश्किल हो बिल्कुल, जाता है हाँ उसके लिए जी करने के लिए। बिल्कुल, ठीक है मैम, बहुत से लोग अपने घर में भी केक्स वगैरह ट्राई कर रहे होते हैं, तो उनसे केक्स वगैरह सही बन नहीं रहे होते, तो आपका एक्सपीरियंस है आप बता सकती हैं कि कहाँ वो गलती कर रहे होंगे, मतलब बेकिंग सोडा है या बेकिंग पाउडर जो भी वट एवर? बहुत से फैक्ट्स होते हैं जिसमें अक्सर लोगों को ये होता है कि जी सारा केक बेक हो गया लेकिन सेंटर से वो वैसे बेक होके वो पूरा फूल जाता है, लेकिन ये कि जब हम बाहर ओवन से निकालते हैं तो वो सेंटर से बैठ जाता है, नीचे हो जाता है, उसमें जो फैक्ट्स काउंट करते हैं वो मेरा ख्याल है ओवन की हीट है और ओवर बीटिंग है, ये चीज़ें ज़रा काउंट करती हैं, और और रेशो का भी कुछ रेशो होता का भी है? होता है, और हम लोग जो है ना अक्सर ये कहते हैं जी कप्स में 1 कप ये ले, 1 कप मैदा ले ले, 1 कप चीनी ले ले, अब ग्राम्स में अगर फॉर एग्जांपल अगर 100 ग्राम्स मैदा है और 100 ग्राम्स शुगर है तो वो दोनों का वेट डिफरेंट होता है, तो हम लोग अंदाजे से कर लेते हैं, बस 1 कप मैदा वही कप जो है चीनी का ले लिया, तो वो इससे भी ग्राम्स में हमेशा जो है ना लेनी चाहिए मेजरमेंट्स के साथ, तो अगर हम लोग कप्स के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि कप का साइज़ कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है,
तो उस वजह से जो है ना ये चीज़ें मैटर करती हैं। बिल्कुल मैम, बहुत सी दफ़ा इस तरह भी देखा गया है जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं या अगर आपकी बेकिंग की बात की जाए तो कोई इंसिडेंट भी हो जाता है जो आपको ताउमर याद रहता है, तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो बेकिंग के दौरान आपके साथ पेश आया हो? फिलहाल तो ऐसा सच कोई ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये है कि मुश्किल उस वक्त पड़ती है जब बेकिंग के लिए रखा हुआ हो स्पंज और लाइट चली जाए, बस फिर तो ना पूछेंगे क्या हाल हो रखता है। और फिर ये होता है कि फिर कुछ अल्लाह पता नहीं तबक्कल होता है। आए कब और ऑर्डर लिए में, वो बहुत टेंशन होती है। बिल्कुल बस ये चीज़ एक बहुत काउंट करती है कि जो टेंशन देती है कि अभी क्या होगा, पता नहीं रात तक आएगी लाइट कि नहीं आएगी, कल के ऑर्डर्स कैसे पूरे होंगे, ये चीज़ बहुत होती है। मैम, कहते हैं कि कोई भी आप जब तख्लीकी काम कर रहे होते हैं तो वो आमद होती है, तो तभी ही आप उस काम को कर सकते हैं। तो केक्स वगैरह में भी इस तरह होता है कि आपको कुछ आमद होती है, कभी आप रात को सो रही हैं और आपको आपको आइडिया आ रहा है कि ये इस तरह का केक क्यों ना ट्राई किया जाए, या फिर कोकोनट है या फिर चॉकलेट है, इसको थोड़ा यूज किया जाए। हाँ जी, वो तो ये है कि होता है, दिल तो करता है कि बहुत से, जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि यूट्यूब से मैं देखती रहती हूँ, तो उसमें बहुत से ऐसे केक्स होते हैं कि मेरा भी दिल करता है कि मैं ये वाले बनाऊँ, लेकिन टाइम ऐसा हमारे पास नहीं होता कि मैं वो अपनी मर्जी से बनाऊँ, क्योंकि वही बात है कि अकॉर्डिंग टू कस्टमाइजेशन हम काम करते हैं, कि जो कस्टमर ने पिक्चर हमें भेजी होती है हमें ऐसे वैसे ही बनाना होता है। लेकिन अगर कोई कस्टमर हमें ये कहे, अभी हैं हमारे कुछ कस्टमर्स ऐसे कि वो ये कहते हैं कि जी आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे किसी की बर्थडे किसी भी बच्ची की, तो आप वो अपनी मर्ज़ी से बना दें, फिर उस वक्त मैं अपनी जो है ना देखती हूँ कि मैं ये बना लूँ, या फिर मैं थोड़ा सा सर्च करके कि इस तरह करके बना लेती हूँ, उस तरह बनाती हूँ अपनी मर्ज़ी से फिर बनाती हूँ। ठीक है मैम, कहते हैं कि सोशल मीडिया को हमेशा मैं टच करता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको खराब भी किया हुआ है। कहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है आपको मतलब यूज नहीं करना चाहिए और वो उस तरह से वो अच्छा नहीं है प्लेटफॉर्म। तो अगर जैसे आप बेकिंग की बात करिए, तो अभी आपने पिछले बात में यही फरमाया कि आप जो है यूट्यूब से और आप मतलब डिफरेंट जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हेल्प ले रही होती हैं, तो किस हद तक आप समझती हैं कि यूट्यूब का अमलो दखल है इस सीखने में और सिखाने में? अभी सोशल मीडिया को यूट्यूब के हिसाब से अगर मैं जैसे सीखने के लिए देखती हूँ तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर कोई देख के उसको सीखने के लिए यूज़ कर रहा है, या कोई अपने क्रिएट उसको मतलब पॉजिटिव वे में ले रहा है, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन हर एक की अपना अभी माइंड सेट होता है कि वो किसको किस चीज़ को किस तरफ ले जाए, तो लेकिन है तो बहुत अच्छा है सोशल मीडिया का वो कि प्लेटफॉर्म है ये, जी कि हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। अब ये तो फिर अपना माइंड सेट है कि आप इसको कहाँ ले जाते हैं। तो थोड़ा अभी केक से थोड़ा हट के आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं कि कोई है, वो कहते हैं ना कि अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, तो कोई ऐसा यादगार लम्हा जो कि आपको हमेशा याद रहा हो और आज भी याद हो? बस अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा है सारा कुछ, तो ऐसा है सच कोई ऐसा नहीं। बस अपने पेरेंट्स को मैं बहुत मिस करती हूँ, जो हमेशा उनकी दुआएं मेरे साथ होती थी, तो बस उनको मैं बहुत मिस करती हूँ, और उसी के जो है मैं समझती हूँ कि उन्हीं की वजह से आज मुझे इतना अच्छा, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरा इतना साथ है, तो उन्हीं की दुआओं की वजह से अल्लाह का शुक्र है सब कुछ। कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ थी जो मैं यादगार है। ठीक है मैम, बातें तो मैंने बहुत करनी थी लेकिन वही बात है, वक्त की किल्लत के जी बायस जो है हमें जो है फिर शो को वाइंड अप भी करना होता जी है। तो इन लास्ट में आपसे कोई एक शॉर्ट मैसेज जो हमारी यूथ के लिए हो, या फिर हमारे घर में जो फीमेल्स काम कर रही हैं, अनथक मेहनत कर रही हैं अपने घर को संभालने में, अपनी फैमिली को जी सपोर्ट कर रही हैं, तो उनको अगर आप कोई शॉर्ट मैसेज देना चाहें? मैसेज मैं यही दूंगी कि घर में बैठे जो बाहर नहीं निकल सकती खवातीन, आजकल यही सोशल मीडिया का बहुत है प्लेटफॉर्म ऐसा है कि वो कर सकती हैं, ऑनलाइन भी काम कर सकती हैं। जैसे जिनको कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी वगैरह आती है तो वो ऑनलाइन ऑर्डर्स ले सकती हैं, उनको डिलीवर कर सकती हैं। जिनको कुकिंग का शौक है वो अपना ये फ्रोज़न फूड्स वगैरह का कर सकती हैं। लेकिन ये है कि इनके साथ साथ इनके फैमिली को भी समझना चाहिए कि घर में बैठी हुई हैं ख़वातीन, तो उनको कुछ करने दें, उनकी एक्टिविटीज़ को मतलब उनको कुछ इस तरह प्रोवाइड करें फैसिलिटीज़ के वो कर सकें कुछ। बाहर निकलने के लिए अगर वो डरती हैं तो उनको कॉन्फिडेंस दें कि वो आगे आएं, बाहर निकलें और करें, और मतलब फारिग बैठने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ करते रहो, तो इससे आप एक्टिव भी रहोगे और जी
अच्छा भी आजकल की महंगाई के दौर में वैसे भी जरूरत है ये जैसे कि सबके लिए। कहते हैं कि एम्प्टी माइंड इज द हाउस ऑफ डेविल, डेवल तो बिल्कुल बिल्कुल अगर आप फारिग बैठेंगे, बेकार बैठेंगे, बिल्कुल तो कोई ना बिल्कुल कोई कुछ ना कुछ आपके उल्टे पुल्टे दिमाग में चल ही रहा जी होगा। बिल्कुल फारिग में बैठे तो उल्टे ही दिमाग में ख्याल आते हैं, कभी सीधे ख्याल नहीं बिल्कुल आते। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपकी कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे स्टूडियोज को रौनक बख्शी और अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने बुलाया, और सलामी आप लोगों को भी, बहुत खुश रखे और कामयाबियाँ दें। आमीन बहुत सुमन। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो ये था आज का प्रोग्राम और यकीनन आपको हमेशा की तरह आज का प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में, अगर वक्त ने की वफा और सांसों ने दी इजाजत, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।